अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि जब नमाज पढ़नी है उसमें एक आयत पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। ये तीन आयतों का जो है ना वो तहदीद करना, यानी इसको पाबंदी लगाना कि तीन आयतों से कम नहीं पढ़ सकते, ये कोई इसकी दलील नहीं है। हमारे लिए कुरान कहता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बल्कि फरमाया कि जो तुम्हें आसान हो वो कुरान पढ़ लिया करो, जितना आसानी से हो सके सूरह फातिहा के बाद। तो जितना भी पढ़ लिया जाए, एक आयत पढ़ ले, दो पढ़ ले, तीन पढ़ ले, चार पढ़ ले, जितना इंसान के लिए आसानी पढ़ ले, एक आयत भी पढ़ ले तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तीन आयतों का पढ़ना इसकी कोई दलील नहीं है, ये जो बनाया हुआ है तीन ही पढ़नी है, तीन से कम नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी बात नहीं है, तीन से कम भी पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिहा पढ़ो, उसके बाद जो तुम्हें आसानी हो वो कुरान का हिस्सा पढ़ लो, तो उसमें एक आयत भी आ सकती है, दो भी, तीन भी और उससे ज़्यादा भी।